सब प्रभात, नमस्कार बच्चों। मैं श्री कृष्ण बैरवा, व्याख्याता राजनीति विज्ञान। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए ग्रुप ऑफ एजुकेशन पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा ऑनलाइन क्लास का आयोजन किया गया है। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कोशिश करूंगा कि आप सब तक सरल से सरल भाषा में ये वीडियो पहुंचे, अच्छे से आप समझ सकें। आज हम चर्चा करेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक भाग ब की इकाई प्रथम का पहला पाठ, जो कि भारतीय संविधान की विशेषताएं बताता है। वैसे तो भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में जो विशेषताएं दी हुई हैं, विशेषकर आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान एक अनोखा और अद्भुत संविधान है, क्योंकि जो हमारे भारतीय संविधान में जो विशेषताएं समाहित हैं, वो अन्य देशों के संविधान में हमें देखने को नहीं मिलती है। स्वयं संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि मैं अनुभव करता हूं भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है, लचीला है एवं शांति और युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य रखता है। अर्थात हमारे संविधान ने इतने बड़े देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया है, साथ साथ अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग होने के बावजूद हमारे संविधान निर्माताओं ने ये प्रयास किया कि देश की एकता और अखंडता हमेशा के लिए बनी रहे। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस तरीके का मिश्रण हमारे संविधान में किया है कि किसी भी धर्म को मानने वाले, किसी भी जाति समुदाय वाले लोगों को किसी भी तरीके की आपत्ति हमारे इस संविधान से ना हो। तो प्रिय विद्यार्थी, आज हम भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे और भारतीय संविधान की विशेषता में हम देखेंगे कि कौन कौन सी हमारे देश के संविधान में विशेषताएं समाहित हैं, विशेषताएं हैं जिनके कारण अन्य देशों के संविधान से अद्भुत दिखाई देता है। सबसे पहली जो बात करेंगे हम, पहली जो विशेषता आती है वो आती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। अब देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान क्यों कहते हैं इसे? संपूर्ण का मतलब होता है कि सभी ने मिलकर के इस संविधान का निर्माण किया है। अर्थात संविधान को जो शक्ति मिलती है, संविधान जो शक्ति प्राप्त करता है भारतीय जनता से,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान का मतलब है कि हम किसी अन्य देश के अधीन नहीं है, जो भी है वो चाहे आंतरिक मामला हो चाहे बाहरी मामला हो, विदेश का हो चाहे देश का हो, हम सभी जगह स्वतंत्र हैं। हमारे कार्यों में कोई विदेशी शक्ति दखल नहीं दे सकती, इसलिए हम कह सकते हैं कि पहली जो विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, अर्थात संविधान जो शक्ति प्राप्त करता है वो भारतीय जनता से प्राप्त करता है अर्थात हमारे देश के संविधान को बनाने वाली जनता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान हम न आंतरिक मामलों में न बाह्य मामलों में किसी के अधीन है, जो भी निर्णय लेते हैं हम स्वतंत्रता पूर्वक लेते हैं। अर्थात पहली जो विशेषता है वो है हमारे संविधान की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। हमारी जो प्रस्तावना है उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग का अभिप्राय यही है कि संपूर्ण संविधान जो शक्ति प्राप्त कर रहा है वो भारत की जनता से प्राप्त कर रहा है, संविधान को बनाने वाली जनता की चुनी हुई संविधान सभा ने ऐसे संविधान को बनाया है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने इस संविधान को बनाया है। अर्थात पहली जो विशेषता होगी वो होगी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। अब एक प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान को संपूर्ण प्रभुत्व संविधान क्यों कहा जाता है? भारतीय संविधान को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान क्यों कहा जाता है? तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान भारी एवं आंतरिक क्षेत्र में स्वतंत्र है, किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है। आंतरिक मामले हो चाहे विदेशी मामले हो वो निर्णय लेने में सक्षम है, अपना निर्णय खुद लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है हमारा। अगले जो विशेषता आती है वो आती है प्रस्तावना। प्रस्तावना एक संक्षिप्त रूप होता है। प्रस्तावना के द्वारा हमें संपूर्ण संविधान के दर्शन हो जाते हैं, मूल आदर्श क्या है, क्या क्या चीजें इस संविधान में समाहित हैं। अर्थात प्रस्तावना के द्वारा हमें पूरे संविधान को समझने में आसानी होती है। प्रस्तावना पढ़ने से ये पता चल जाता है कि भारतीय संविधान में या हमारा संविधान में कौन कौन सी चीजें समाहित की गई हैं। यही नहीं, डॉक्टर के एम मुंशी ने प्रस्तावना को के एम मुंशी एक विचारक हैं और उन्होंने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली ली कहा है। तो राजनीतिक
भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहाँ है? सीएम मुंशी जी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, के मुंशी भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली प्रस्तावना को कहता है। कई बार यहां पर भी एक प्रश्न छोटा सा राजस्थान बोर्ड कई बार पूछ चुका है कि किस राजनीतिक विचारक ने या किस विद्वान ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है, तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना को डॉक्टर के मुंशी ने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। अर्थात संविधान की विशेषता के कारण इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो और क्या कह सकते हैं कि मुंशी जी ने राजनीतिक कुंडली कहा, इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है प्रस्तावना को। इस प्रकार प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारतीय संविधान को अंगीकृत, आत्मर्पित अर्थात किसी के दबाव में आकर के भारतीय संविधान को अपनाया नहीं है। स्वयं भारतीय जनता ने संविधान सभा में अपने चुने हुए प्रतिनिधि भेजे और उन चुने हुए प्रतिनिधियों ने भारतीय संविधान को बनाया। इसलिए भारतीय जनता ही संविधान को शक्ति देती है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान थोपा नहीं गया है, जबरदस्ती किसी पे थोपा नहीं है, अर्थात संविधान बनाने का जो कार्य किया है वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने किए। इसलिए भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। तो हमने प्रस्तावना को देखा, क्योंकि प्रस्तावना में, प्रस्तावना के द्वारा हमें संपूर्ण संविधान के दर्शन होते हैं। प्रस्तावना की जो शुरुआत जो की है वो उसमें यही कहा गया है कि हम भारत के लोग आज दिनांक 26 नवंबर 1949 विक्रमी संवत 2006 मार्च शुक्ल सप्तमी भारतीय संविधान को अंगीकृत आत्मर्पित करते हैं। अर्थात हमारा जो संविधान जनता के चुनी हुई प्रतिनिधि सभा ने बनाया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है भारत का संविधान। हम स्वतंत्र हैं, चाहे वो विदेशी मामले हो, चाहे देशी मामले हो, आंतरिक मामले हो, सभी में किसी के द्वारा दखलंदाजी नहीं दी जा सकती, क्योंकि अपने आप में हम स्वतंत्र हैं। प्रस्तावना में आपने देख समझ चुके हैं कि मुंशी जी ने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है इसे। इसके साथ साथ इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे हम
भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, कह सकते हैं या कहा जाता है। अगली जो विशेषता आती है वो आती है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। एक अद्भुत जो विशेषता है, विलक्षण अन्य संविधानों से अलग हटके जो विशेषता आती है वो आती है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान इसलिए कहते हैं कि हमारे संविधान में सबसे ज्यादा अनुच्छेद 395 अनुच्छेद 22 भाग 5 परिशिष्ट 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान की मैं बात करूं तो 465 अनुच्छेद हो गए हैं, 101 संविधान संशोधन हो गया। 101 बार जो संविधान संशोधन हुआ वो जीएसटी से संबंधित था, गुड्स सर्विस टैक्स, माल सेवा कर जो सितंबर 2016 में उसे हस्ताक्षर कर दिया था राष्ट्रपति जी ने, लेकिन जुलाई 17 से उसे संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। अब विश्व का सबसे बड़ा संविधान इसलिए कहते हैं जहां अमेरिका के संविधान में सात अनुच्छेद हैं, जहां अमेरिका के संविधान में सात अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं, और अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद हैं। वहीं हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद आपकी पाठ्यपुस्तक के अनुसार जो आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है कि 395 अनुच्छेद 22 भाग 5 परिशिष्ट 12 अनुसूचियां। इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं
कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अन्य देश के संविधानों में इतने अनुच्छेद नहीं हैं जितने कि हमारे संविधान में समाहित है। वर्तमान की मैं बात करता हूं, वर्तमान में भारतीय संविधान में 465 अनुच्छेद। तो देखिए अगली जो विशेषता आती है जो हमारे संविधान को अन्य देशों के संविधान से एक अलग विशेषता प्रदान करता है वो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, तो एक प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्यों कहा जाता है? तो हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान इसलिए कहा जाता है, जहां अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं और अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं, वही हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग 5 परिशिष्ट, 12 अनुसूचिया। और वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 465 अनुच्छेद हैं। लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में 465 जो वर्तमान अनुच्छेद है इनको नहीं दर्शाया गया है, नहीं दिखाया गया है। केवल आपके यहां तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग 5 परिशिष्ट और 12 अनुसूचियां दर्शाई गई है, दिखाई गई है। अर्थात यदि बोर्ड में कोई प्रश्न बनता है तो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो लिखा गया है